का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जब से दस्तक दी है तब से दुनिया भर में दहशत फैल गई है। दुनिया के कई देश अलर्ट पर है। वहीं कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की थी और पूरी तरह से निर्देश भी दिया था। वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर चिंता जताई है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है और यह समीक्षा बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओमिक्रॉन वायरस को लेकर जो है वो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना टीकाकरण के तहत जिन लोगों का दूसरा डोज लेने का निर्धारित समय पूरा हो गया है उनका टीकाकरण तेजी से कराएं। अभियान चलाकर पता करते रहें कि कोई भी टीका लेने से वंचित ना रहे। जिन जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है और कोरोना जांच कम हो रहे हैं मुख्यालय स्तर से उन जिलों को मॉनिटरिंग करें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए और संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तैयारी रखें। सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहे। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण कारगर उपाय है। साथ ही कोरोना संक्रमण के फैलाव रोकने के लिए कोरोना जांच भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोरोना के केस कम होने के बावजूद भी इसकी जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रचार प्रसार कर लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत एवं जागरूक करते रहे। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरते, संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तैयारी करे, दवाओं के पर्याप्त स्टॉक एवं चिकित्सा सुविधाओं की पूरी व्यवस्था रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि बाहर के देशों से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाए और कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी पता कराएं। वहीं समीक्षा बैठक में WHO के बिहार प्रतिनिधि ने भी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए दुनिया में इसके फैलाव, संक्रामक क्षमता, उससे होने वाले नुकसान और इसके संबंध में विशेषज्ञों की राय की जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति, कोरोना जांच एवं जिलावार कोरोना टीकाकरण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार में अब तक 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जिन लोगों ने कोरोना टीके का दूसरा डोज नहीं लिया है उन्हें माइकिंग, विज्ञापन, होर्डिंग, सोशल मीडिया और प्रचार प्रसार के अन्य माध्यमों से निर्धारित समय के अंदर दूसरा डोज लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑडियो संदेश को भी प्रसारित किया जा रहा है जिससे भी लोग कोरोना टीका लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो पूरी तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक की स्वास्थ्य विभाग के साथ और पूरी तरह से जो है वो अलर्ट जारी किया और दिशा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दूसरे देश से जो भी आ रहे हैं, बाहर से जो भी आ रहे हैं, उनकी पूरी तरह से जांच हो, कोई पॉजिटिव नहीं मिले। वही नए वेरिएंट को लेकर भी उन्होंने पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है और कहा है जो भी पूरी डॉक्टरों की हो वो पूरी तरह से अस्पताल को सब कुछ का जो है वो पूरी तरह से सुविधा दिया जाए। वही दवाई को लेकर भी उन्होंने कहा है पूरी तरह से इसमें दवाइयों की जो सुविधा है वो प्राप्त की जाए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे और देखते रहे 10G न्यूज़। नमस्कार।